हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अरियन। तो यार आज हम करेंगे NIOS क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 17 केयरिंग फॉर अदर्स। देखो ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और दूसरे चैप्टर्स भी हमने कवर कर लिए और आगे भी चैप्टर्स कवर करते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट केयरिंग फॉर अदर्स। पहले इस लाइन का मतलब समझो, केयरिंग फॉर अदर्स मतलब क्या है कि लोगों के बारे में सोचना, लोगों के बारे में ख्याल रखना, ठीक है। तो इसका समरी हम करेंगे, ठीक है। पूरा पॉइंट वाइज है, पूरा पॉइंट में आप पढ़ लो, देखो आराम से आप पास हो जाओगे। सो ये बेसिकली दो ऐसी लेडीज़ के ऊपर बेस्ड है ये पूरी जो स्टोरी है, ये पूरा जो चैप्टर है, जिन्होंने मतलब गरीबों के लिए बहुत हेल्प करी है, गरीबों के लिए और जो हमारी सोसाइटी के जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए बहुत हेल्प की है। तो हम स्टार्ट करते हैं किन से, मदर टेरेसा से। अ यूगोस्लेवियन बाय बर्थ वर्क अनटायरिंगली टू सर्व द पुअरेस्ट ऑफ पुअर इन इंडिया। In an interview with a journalist Malcolm, she narrated how her journey of service to humanity started with an encounter with a young woman who she found half-eaten by rats and ants lying abandoned. तो जो हमारी मदर टेरेसा होती है वो होती है यूगोस्लेविया की, ठीक है। ये एक यूरोप की कंट्री है, वहाँ की होती है, ठीक है। तो ये इंडिया में आके इंडिया के गरीबों से भी एकदम गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है, ठीक है। तो एक इंटरव्यू में जो जर्नलिस्ट थी उनका नाम था मेलकॉम। सो इस इंटरव्यू में मदर टेरेसा ने अपने स्टोरी के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बताना स्टार्ट किया। तो यार जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है कि उन्होंने, मदर टेरेसा ने एक यंग वुमेन को देखा जो कि हाफ फिटन बाय रैट्स, ठीक है, यानी कि जिनको आधा चूहों ने खा रखा था, एंड एंड्स लाइंग एवेंडर, और चीटें उनके ऊपर घूम रही थी इधर उधर। शी टुक हर टू अ हॉस्पिटल विच रिफ्यूज टू ट्रीट हर। इट इज ओनली वेन शी रिफ्यूज टू मूव फ्रॉम देयर दैट दे इवेंचुअली रिलेंटेड। देखो फिर मदर टेरेसा वो जो महिला थी उनको ले गई हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल वालों ने ट्रीट करने से एकदम मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया। फिर लेकिन जो हमारी मदर टेरेसा थी वो एकदम ढीठ थी, उन्होंने बोला कि यार इलाज करवाना है तो करवाना ही पड़ेगा। फिर लास्ट में उसी हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ। थ्रू हर इंटरव्यू वी कम टू नो How she managed to get space for destitute, for opening school, orphanage, and to start skill training programs, mobile dispensaries, etc. जो देखो जो ये इंटरव्यू था इससे हमको पता चला कि कैसे उन्होंने एकदम गरीबों के लिए रहने की जगह बनाई, स्कूल्स खोले, अनाथ आश्रम खोले, और ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए, मोबाइल डिस्पेंसरी। मोबाइल डिस्पेंसरी मतलब जो हमें डिस्पेंसरीज होती है जहाँ पे मतलब हमको दवाई दी जाती है फ्री में, वो उन्होंने मोबाइल वाले कर दिए, यानी कि इधर उधर कहीं पर भी वो ले जा सकते थे, ठीक है। However, she realized the universal need and craving for love and a feeling of being wanted, and that is what her guiding force became. उनको ये चीज़ realize हुई कि जो ये universal need होती है, यानी कि craving for love, यानी कि जो प्यार के लिए एक तरसते हैं, ठीक है, a feeling of being wanted, कि हमारे भी कोई चाहने वाले हो, ये चीज़ उनको और आगे बढ़ाते ले गई। Next आते जानकी अय्यर। तो देखो जानकी अय्यर कौन थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। डेडिकेटेड हरसेल्फ टू टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअरेस्ट फैमिलीज हु कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू रेगुलर स्कूल। जो उन्होंने, जो हमारी जानकी अय्यर थी, उन्होंने क्या किया कि जो टीचिंग एंड ट्रेनिंग स्टार्ट किया छोटे बच्चों का, जो मतलब एकदम पुअरेस्ट फैमिली से आते हैं, जो रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हर क्लासेज आर कंडक्टेड इन द आफ्टरनून सो एज टू अकोमोडेट ऑल डोमेस्टिक वर्कर्स। देखिए जो जानकी अय्यर थी वो उनको भी पढ़ाती थी, जो मतलब लोगों के घर काम करती है, जो हाउसवाइफ्स है, ठीक है, इन सबको पढ़ाती थी, डोमेस्टिक वर्कर्स है। इसलिए उनकी जो टाइमिंग थी वो थी आफ्टरनून में, सो सब सबको टाइम मिल सके पढ़ने का, सब फ्री हो सके, क्योंकि दोपहर के टाइम मोस्टली लोग फ्री रहते हैं थोड़ा बहुत। सी इंश्योर्स क्वालिटी बाय रिक्रूटिंग गुड टीचर्स एंड ऑल्सो सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम यंग प्रोफेशनल फॉर टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। जो पढ़ाई की क्वालिटी वो उन्होंने एकदम पक्की कर रखी थी, कैसे, जो एकदम टॉप टीचर्स होते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, ठीक है, और जो यंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि मतलब कम एज में लेकिन उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए रख दिया, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने अपनी क्वालिटी बढ़ाई, जो बच्चों की पढ़ाई क्वालिटी वो बढ़ा दी उन्होंने। सी ऑल्सो इनकलकेट्स गुड वैल्यूज इन हर स्टूडेंट्स which remains etched on their character permanently. उन्होंने अपने students के अंदर कुछ अच्छी values सिखाई, moral values हो गई, अच्छी जो बातें होती है वो चीज़ सिखाई, जो उनके दिमाग में permanently guard बन गई, जो उनके life में काम आए, ठीक है। Next आते अब आती है बारी question answers की। देखो question answers start करने से पहले आपको क्या करना है, video को like करना है, share करना है, चैनल को subscribe करना है, ठीक है।
और देखो जितना भी मैं करा रहा हूँ या तो कहीं पे लिख के रखो, किसी नोटबुक में लिख के रखो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम से पहले ये पढ़ना एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हु सेट अप आनंद भारती स्कूल एंड फॉर हुम? तो जो आनंद भारती स्कूल था वो किसने स्टार्ट किया और किस लिए स्टार्ट किया? अ 70-year-old वुमेन कॉल जानकी हियर सेट अप आनंद भारती स्कूल फॉर गर्ल्स हु वर्क एज अ डोमेस्टिक हेल्पर्स। तो जो 70 साल की जानकी हियर जी थी हमारी, उन्होंने आनंद भारती स्कूल किन के लिए स्टार्ट किया? वुमेन्स के लिए, जो कि डोमेस्टिक हेल्पर्स थे, लोग अगर काम करते थे उनके लिए मेन स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। आनंद भारती इज़ अ नॉन फॉर्मल स्कूल बट द ऑथर सेज दिस इज नो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर, व्हाई डज द ऑथर सेज दैट? देखिए जो आनंद भारती स्कूल है वो पूरा नॉन फॉर्मल है, लेकिन जो हमारे ऑथर है वो कहते हैं कि नॉन फॉर्मल है ही नहीं, ठीक है, ये मतलब पूरा ही फॉर्मल है। तो ये बात ऑथर क्यों कहता है, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन। आनंद भारती इज़ अ नॉन फॉर्मल स्कूल, इट इज़ नॉट अ फॉर्मल एंड रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। व्हेन द ऑथर सेज दिस इज नो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर, ही मीन्स दैट आनंद भारती इज़ वेरी सीरियस अबाउट एजुकेशन जस्ट लाइक अ फॉर्मल स्कूल। देखिए जो हमारा आनंद भारती स्कूल है ये पूरा नॉन फॉर्मल है, ठीक है, इसके पास कोई रिकॉग्निशन नहीं है और इसके पास कोई फॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं है, फॉर्मल ड्रेस कोड नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हमारा ऑथर ऐसा क्यों बोलता है कि ये भाई हमारा नॉन फॉर्मल स्कूल है ही नहीं, ये फॉर्मल है? इसलिए कहता है क्योंकि जो यहाँ की जो पढ़ाई है ये इतनी सीरियस है कि ये फॉर्मल स्कूल को टक्कर दे सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड मदर टेरेसा टेक केयर ऑफ एंड व्हाई? तो इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि मदर टेरेसा ने किन टाइप के लोगों का हेल्प किया और क्यों किया। तो इसका आंसर देखते हैं। मदर टेरेसा इज कंसिडर टू बी अ ह्यूमैनिटेरियन, सी टुक केयर ऑफ पुअर नीडी एंड सिक पीपल। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब क्या है? जो लोग ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है, ज़रूरतमंद लोगों की लाइफ सुधारने की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, उनको ह्यूमैनिटेरियन बोलते हैं। सी टुक केयर ऑफ पुअर नीडी एंड सिक पीपल, जैसा कि मैंने बोला कि ह्यूमैनिटेरियन कैटेगरी में, तो इसमें यही कहा गया है कि उन्होंने गरीब, ज़रूरतमंद और बीमार लोगों की बहुत हेल्प करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। वेयर डिड मदर टेरेसा सेट अप द फर्स्ट होम फॉर द सिक एंड द डाइंग? तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मदर टेरेसा ने फर्स्ट होम, ठीक है, फर्स्ट घर किधर खोला जहाँ पे सिक बीमार लोग जो मरने के कगार पे ऐसे लोगों का रखा गया। इसका आंसर पढ़ते हैं। मदर टेरेसा सेट अप द फर्स्ट होम फॉर द सिक एंड द डाइंग इन कालीघाट कोलकाता इंडिया अंडर द नेम निर्मल हृदय द होम ऑफ द प्योर हार्ट। इट वॉज फाउंडेड ऑन हर 42nd बर्थडे 22 अगस्त 1952। देखिए जो मदर टेरेसा थी इन्होंने जो पहला होम खोला ये खोला इन्होंने कालीघाट जो कि कोलकाता में बेस्ड, ठीक है। अब इसका नाम क्या रखा गया था? निर्मल हृदय। और ये कब खोला गया था? जब उनका 42nd बर्थडे था, ठीक है, उसकी डेट भी जान के रखो 22 अगस्त 1952। एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि इन व्हाट वे इज आनंद भारती इज अ यूनिक स्कूल? आनंद भारती इज अ स्पेशल स्कूल एज इट इज वेरी केयरफुल रिगार्डिंग एजुकेशन ऑल्दो इट इज अ नॉन फॉर्मल स्कूल। लाइक अ नॉन फॉर्मल स्कूल इट इज फ्लेक्सिबल येट स्टूडेंट्स राइट पब्लिक एग्जाम्स एंड इवन कंटिन्यू हायर स्टडीज लाइक द स्टूडेंट्स ऑफ फॉर्मल स्कूल। इट शेयर्स द स्टूडेंट्स कंसर्न एंड सीक्स सॉल्व देम। देखो जो आनंद भारती स्कूल का जो स्पेशल बात क्या था कि वो नॉन फॉर्मल था, पूरा फ्लेक्सिबल था, तब भी उसकी पढ़ाई एकदम पूरा फॉर्मल के टक्कर की थी, ठीक है, भले ही वो नॉन फॉर्मल थी लेकिन स्टूडेंट्स जो थे वो पब्लिक एग्जाम्स के लिए अपीयर करते थे और आगे की स्टडीज भी वो परस्यू करते थे लाइक फॉर्मल स्कूल के स्टूडेंट्स की तरह, ठीक है। यहीं पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया। देखो जितना ही मैंने पढ़ा है अभी ये पूरा कहीं पे नोट करके रखो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, पहले के जितने चैप्टर और अभी जो चैप्टर्स आने वाले हैं यही पढ़ लो। देखो इंग्लिश में तुम्हारे अबव एवरेज तो आ ही जाएंगे, चाहे आप एक ही बार रीड कर लो, कुछ तो समझ में आएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप पूरा पढ़ो, ढंग से पढ़ो ताकि अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा अच्छा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।